हेलो एवरीवन, होप आप सब बढ़िया हैं। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा केक जिसको अगर आपने बना के एक बार ट्राई कर लिया ना, तो फिर आप किसी ओकेजन का वेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसको बनाने के लिए बहाने ढूंढा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हाँ, ईजी भी। यहाँ मैंने लिया है एक 6 इंच का केक टिन, जिसको ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा मैदा। इसको चारों तरफ फैला लेंगे अच्छे तरीके से। डस्ट करने के बाद जितना एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे। और यहाँ एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप रिफाइंड ऑयल और 1/3 कप फ्रेश दही, साथ ही 1/2 कप शुगर पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक इनका एक स्मूथ सा घोल ना तैयार हो जाए। वैसे जो ये केक हम बना रहे हैं ना, इसको खा के बिल्कुल रबड़ी और रस मलाई वाला स्वाद आता है, मुँह में जाते ही खुल जाता है। वैसे रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मैंने एक छन्नी में ले लिया है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको छान के इसमें डाल देते हैं बोल में और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह का कुछ हो गया है ये। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप दूध, उबाल के रूम टेम्परेचर पे दूध है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका एक बैटर हमें तैयार करना है। तो दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। हो सकता है कि आपको दूध थोड़ा सा कम लगे 1/2 कप से, या थोड़ा सा ज़्यादा लगे। बस हमें ध्यान रखना है अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी का, यानी कि जब हम इसको ऐसे उठाएं तो एक रिबन की तरह इस तरह से गिरना चाहिए। तो मेरा 2 टेबल स्पून दूध इसमें बच गया है। तो इसको हम पोर कर लेते हैं अपने केक टिन में और इसको टैप कर देंगे इस तरह से। और यहाँ एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने रख दिया था ऑलरेडी, एक प्लेट रख दी है, उसके ऊपर हम रख देते हैं ये केक टिन। और उसके बाद इसको कवर करके हम लो फ्लेम पे करीब 30 से 35 मिनट के लिए कुक करेंगे। बीच में एक बार 20-25 मिनट के बाद इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ दूसरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसमें अब मैं ऐड करूँगी 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इसके बाद इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है, तब तक जब तक कि अपनी क्वांटिटी का 1/2 ना रह जाए। तो जितनी साइड से मलाई आएगी उसको सेंटर पर करते जाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप चीनी और साथ ही 8-10 हरी इलायची के दाने, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। अगर आप मलाई या रबड़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो 1 लीटर दूध के बजाय आप ज़्यादा की क्वांटिटी का भी बना सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ 1/2 घंटा हो चुका है और केक को देख के तो लग रहा है, सारे क्रैक्स देख के, कि अच्छे से कुक हुआ है। चेक कर लेते हैं। और ये जो इसमें लगा है काफ़ी सूखा है, तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद एक फोक की हेल्प से इस तरह से पूरे पे प्रिक कर लेंगे। इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पूरे पे इसमें छेद कर देंगे। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, हमारा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल जालीदार। तो हमारी जो मलाई थी वो रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसको हम अपने केक के ऊपर चारों ओर से पोर करेंगे, साइड से भी डालते जाएंगे ताकि हमारा केक अच्छे तरीके से कोट हो जाए मलाई में। और इसके बाद अपने केक को उठा के हम रख देंगे फ्रिज के अंदर करीब 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे तो जितना ज़्यादा ये रहेगा फ्रिज में, उतना ज़्यादा ये मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएगा अंदर तक। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह कम समय हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए एज इट इज़ उठा के फ्रीजर में रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 1/2 क्वांटिटी मलाई की बचा ली है, इसको भी फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे बाद मैंने अपने केक को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ साइड से ये बादाम के फ्लेक्स और साथ ही डाल रही हूँ कुछ पिस्ता और साइड में डाल देते हैं इसमें कुछ पिस्ता की कतरन। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको गार्निश कर सकते हैं। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा लाजवाब। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और मुझे आपको ये बहुत जल्दी दिखाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेटा है खड़ा बैकग्राउंड में, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये केक कितना ज़्यादा स्पॉन्जी लग रहा है ना। इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और इसको सर्व करने के एग्जैक्टली पहले इसमें हम डालेंगे ढेर सारी ठंडी ठंडी मलाई। मलाई बहुत सारा डालें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुँह में जाते ही आपका केक खुल जाएगा। तो आप इसको बनाइए, इंजॉय करिए, खा के मज़ा ही आ जाएगा। Enjoy and happy cooking!